जी व्यूअर्स, ये देखिए फ्राइड राइस हो गए हमारे तैयार। मैंने जो है सब्जी डाल के शाशलिक तैयार हो गया है। आपको पता है कि इसमें जो है सब्जियां पूरी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज बड़ी शदीद भूख लग रही है और मुझे कुछ ऐसा चाइनीज़ खाने का दिल चाह रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना शाशलिक बनाया जाए। तो मैंने कहा बच्चों आज शाशलिक बनाते हैं। सामान सारा जाके मैं लेकर आ गई हूँ बच्चों के अब्बा के साथ, और अब बच्चों के साथ मिलकर मैं बना रही हूँ शाशलिक। तो पूरी रेसिपी को कैसे बनाना है आप देखिए, मिलकर बनाते हैं शाशलिक। व्यूअर देखिए, ये नायशा जो है इस वक्त शाशलिक की तैयारियों में मगन है, और ये नायशा थोड़ा जो है सब्जियों को भी खा रही है। और इनशा जो है सब, ये इन्होंने गाजर के बारीक बारीक टुकड़े किए क्योंकि हम फ्राइड राइस भी बनाएंगे, और ये मैंने काट कर रखा हुआ है। और पूरी रेसिपी मैं आपके साथ जो है शेयर करूँगी। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, जब मैं फटाफट सब तैयार कर लूँ फिर मिलते हैं। जी व्यूअर जी, देखिए मैंने सब कुछ रेडी करके रख दिया है। ये मैंने काट लिए टमाटर, और ये शिमला मिर्च है, ये क्यूब्स कटे हुए हैं चिकन के, ये बारीक बारीक गाजर है फ्राइड राइस के लिए, ये है प्याज कटी हुई है, और ये सारा फ्राइड राइस के लिए है, हरी प्याज है, और बारीक बारीक शिमला मिर्च काट दिए। आप चाहें तो बंद गोभी भी इसमें डाल सकते हैं। और चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं फ्राइड राइस के लिए, और पानी मैंने जो है उबलने पर रख दिया है। साथ में ये अंडे भी मैंने फेंट दिए हैं, और बस अब रेसिपी शुरू करते हैं। तो व्यूअर मैंने तेल गरम कर दिया है। अब जो है हम अदरक लहसुन मैंने जो है नाया से घास के कूट के रख दे, तो वो अदरक लहसुन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और कैमरा जो है माँ साहब ने पकड़ा हुआ है, स्टिक से आपको बहुत टेस्टी। ये देखिए अदरक लहसुन गर्म हो गया है, और अदरक लहसुन जो है हल्का हल्का जो है पक गया है। अब इसमें जो है हम ऐड करेंगे केचप। केचप और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा, क्या है ये, सोया सॉस। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा विनेगर, अब इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिल्ली सॉस, और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक नमक नमक, चावलों में भी नमक है तो इसलिए नमक को ज़रा एहतियात से डालेंगे। अब ऐड करेंगे हम थोड़ी सी पीसी हुई काली मिर्च, ये पीसी हुई काली मिर्च, और हम ऐड करेंगे पीसी हुई सफेद मिर्च, और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी चीनी। क्या ऐड करेंगे? चीनी। जी चीनी भी डालती है इसमें, थोड़ी सी चीनी। सब को जो है हम पका देते हैं। हम डालते हैं थोड़ा सा पानी, कैसा लग रहा है सारा जाएगा। पिज्जा की स्मेल आ रही है पानी की, इसमें हम एक कप पानी डाल देंगे। तेल वाला इसको हम उबलने देंगे। लाल मिर्च थोड़ी सी,
व्यूअर्स, अब इसमें जो है हम ये देखिए मैंने मिक्सचर बना दिया है। ये है कॉर्नफ्लोर और ये हाफ टी स्पून है और मैंने इसमें पानी थोड़ा ऐड किया है। ये इसमें मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये हो गया है मिक्सचर रेडी। ये देखिए इतना सा जो है गाढ़ापन इसमें होना चाहिए। हम करते हैं चूल्हा बंद और अब हम करते हैं सब्जियों और चिकन को पकाने की तैयारी। और दूसरे चूल्हे पे हम पकाते हैं फ्राइड राइस। व्यूअर अब जो है हम लेना है अब हमें चिकन और इसमें इसमें हम डालेंगे लाल मिर्चे। मैंने ले लिया है चिकन। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी कुटी मिर्चे और मिर्चे मैं कम रखूंगी क्योंकि मेरे बच्चे तो इस मिर्चे नहीं खाते। आप मिर्चे अपने हिसाब से ज़्यादा भी रख सकते हैं क्योंकि हमने जो है ऑलरेडी इसका जो मटेरियल बनाया है उसमें भी हमने जो है लाल मिर्चें ऐड की हैं और इसमें थोड़ी सी जो है काली मिर्चें थोड़ी सी ज़रा सी डालेंगे। काली मिर्चें ऐड करेंगे और सॉसेस की बारी आ गई है तो इसमें करेंगे थोड़ा सा हमने डाला है सोया सॉस सॉरी विनेगर सॉरी अब डालेंगे इसमें सोया सॉस। और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसमें। हम डालेंगे थोड़ा सा इसमें चिकन पाउडर। बस ये इसको अच्छी तरह मिला देंगे। आगे देख करना और बस हम नमक हम थोड़ा सा ऐड करेंगे क्योंकि हमने जो है पहले मटेरियल जो तैयार किया उसमें भी नमक ऐड किया हुआ है और फ्राइड राइस में भी नमक डलेगा तो इसलिए नमक को आप ज़रा एहतियात से डालिएगा। अब जो है हम इसको छोड़ते हैं आधे घंटे के लिए। तब तक हम फ्राइड राइस तैयार करते हैं। फ्राइड राइस के लिए हमें चाहिए एक पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और उसमें हम डालेंगे जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम फिटा वही अंडा डालेंगे उसके अंदर। ये हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम वेट करते हैं। उसमें अंडा ऐड करेंगे बारीक बारीक जो के हर निवाले में अंडा आए। इसमें जो है ये हमें वेजिटेबल कटी हुई है तो ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और हम नमक ऐड करेंगे। चावलों में भी ऑलरेडी नमक है तो इस वजह से हम नमक की जो है मिकदार कम रखते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा विनेगर थोड़ी सोया सॉस डाला है और अब हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा विनेगर। रेड चिली सॉस कहाँ है? रेड चिली सॉस हम मिक्स वेल कर देंगे, मिला देंगे। मास जो है वाइट करते करते थक गए हैं मास। हम मिला देंगे थोड़ी काली मिर्चे थोड़ी सी सफेद मिर्चे भी डालेंगे
आप इसमें गाजर तो हमने डालेंगे नहीं, सॉरी व्यूअर्स, गाजर हम भूल गए। गाजर हम 5 मिनट जो है पकने देते हैं हल्की आंच पे, थोड़ा सा पानी ऐड करके ताकि ये नरम हो जाए सब्जियाँ, फिर हम उसमें चावल ऐड करेंगे। ठीक है, बाद आप हटी जाए। वे फ्राइड राइस के लिए अब जो है हम इसमें राइस ऐड कर रहे हैं, सारे राइस इसमें डाल के हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, मिक्स होते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। जी व्यूअर्स, ये देखिए फ्राइड राइस हो गए हमारे तैयार। मैंने जो है सब कुछ डाल के इसमें अच्छी तरह मिला लिया। आप चाहे तो ऊपर से इसमें सॉसेस थोड़े से और ऐड कर सकते हैं। बस ये हो गए हैं, क्योंकि चावलों को दम लगा के बॉईल करके पूरा दम लगा के रेडी किया था, सब्जियां भी तैयार थी। अब हम जो है शाशलिक की तरफ चलते हैं। हमारे जी व्यूअर्स, बस हमारी जो है रेसिपी एंड होने लगी है। बस हमने जो है इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करना है और इसमें हम जो है ये देखिए कम से कम 30 मिनट हो गए इसको रखे हुए, कि उसको ऐड कर देते हैं, सब कुछ ऐड कर देते हैं। टाइम की कमी है, भूख लग रही है बच्चों को, इसीलिए हमें जल्दी जल्दी जो अपना हाथ अब चलाना पड़ेगा। ये जब तक चिकन हमारी थोड़ी सी गल जाए, गैस की आंच पे रखते हैं 2 मिनट। जी व्यूअर्स, हमारी चिकन जो है ये थोड़ी थोड़ी देखें गल गई है, माशाल्लाह से अच्छी खासी गल गई है। और अब हम इसमें जो है सारी वेजिटेबल ऐड करेंगे। ये देखिए सारी नाई ने काट के रखी हुई है और ये इसमें ऐड करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए भूख लग रही है, बस इंशाल्लाह पकने वाला है ये थोड़ी सी देर, 2 मिनट ये पकेगा। फिर हम इसमें सॉसेस जो हमने बना के रखे हैं वो ऐड कर देंगे। सिर्फ 2 मिनट हल्की आंच पर पकाएंगे, मज़ीद पूरा से गलाएंगे नहीं, पूरा गलाएंगे नहीं। ये जो है ये उभरी उभरी सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं शाशलिक में, गली हुई सब्ज़ियाँ नहीं अच्छी लगती। बस फिर से ज़्यादा नहीं पकाएंगे, उसमें जो है मटेरियल ऐड करने लगे। इतना टेस्टी लग रहा है, लग रहा है ये मात को पसंद आ जाए बस। चलो ये जो है 2 मिनट दम पे लगाते हैं, फिर हम इसे सर्व कर। व्यूअर्स, ये है शाशलिक तैयार हो गया है। आपको पता है कि इसमें जो है सब्जियां पूरी नहीं पकाई जाती, हल्की हल्की पकाई जाती हैं। तो बस हम करते हैं चूल्हा बंद और लगाते हैं दस्तरखान। शाशलिक और फ्राइड राइस रेडी है, इसे डिश आउट करेंगे और आपको जो है दिखाएंगे कि कैसा बना है। चलिए घूम जाऊँगा। जी व्यूअर्स, ये देखिए सारा शाशलिक जो है खा लिया गया है। अब मैं पूछती हूँ माँ से, माँ बहुत मसरूफ है। माँ शाशलिक कैसा बना बेटा, क्या हुआ? क्या ही बताऊँ, ये बताने वाला नहीं है, बहुत अच्छा है। कैसा बना है नाया, छुट्टी का मजा आ गया आज? बहुत, पहले नंबर पे आ गई है। देखिए खत्म होने के मनाजिर हैं, खत्म होने के मनाजिर। ईशा खा के सो गई, मजा आया ईशा फुल नींद में। शाशलिक खा के बता रही, इतनी नींदें क्यों आ रही सबको, सब